गाइस मैं ड्रैगन से भिड़ गया हूँ भाई। फायर रेसिस्टेंस तो मिल रहा है लेकिन मुझे लगता है ये ड्रैगन बड़ा है भाई। सो हे गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक और नए एपिसोड में आरएल क्राफ्ट के। तो हे गाइस यार, क्या हाल है आप सभी लोगों के। आई होप कि सब मस्त होंगे। ओके, तो भाई ये सोना कैसा लग रहा है भाई गले में। सही लग रहा है ना, चैन वैन एकदम मस्त। क्या बात है भाई। तो चलो यार गाइस, अपना सामान मैं पहन लेता हूँ। ये है मेरा ग्लास, अरे वाह भाई वाह। और ये है मेरे कपड़े। ठीक है, जो मौसम चल रहा है वो है अभी मिड विंटर। और गाइस मैंने यहाँ पे एक कैंप फायर लगाई है, और एक कैंप फायर मैंने एक्स्ट्रा बना के रख लिया है, और एक और बना लेता हूँ मैं इन केस मैं कहीं पर जाऊँगा, अगर वहाँ पे ठंड लगी तो ये काम आएगी मेरे लिए वहाँ पे। और भाई ये मैं रख देता हूँ। वैसे यार गाइस मुझे लगता है कि अब मुझे ना हीटर भी बना लेना चाहिए भाई। तो मुझे लगता है भाई मुझे अब एक हीटर भी बनाना पड़ेगा, जिससे कि मैं थोड़ी सी गर्मी कर सकूँगा यहाँ पे। तो भाई हीटर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा हीटिंग कोयल, और इसको बनाने के लिए भाई मैग्मा शार्ड चाहिए मुझे। और ये जो मैग्मा शार्ड है ना भाई, ये बनते हैं आपके मैग्मा ब्लॉक से, और जो मैग्मा ब्लॉक है ना गाइस वो बन जाता है आपका मैग्मा क्रीम से। तो भाई मैग्मा क्रीम बनते हैं आपके स्लिम बॉल्स और ब्लेज पाउडर से। ओके, तो गाइस मेरे यहाँ पे 3 मैग्मा क्रीम रखे हुए हैं, और एक मैग्मा क्रीम मैं बना लूँगा। मेरे पास ब्लेज पाउडर, ओके एक ही ब्लेज पाउडर बचा हुआ था मेरे पास। कोई नहीं, चलो हमारा काम हो जाएगा इससे। तो भाई 4 मैग्मा क्रीम आ गए हैं, अब इनसे बन जाएगा ब्लॉक, और ब्लॉक से बन जाएंगे शार्ड। कैसे बनेंगे भाई, हेलो। मुझे लगता है मुझे इसको लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो भाई मुझे अपनी बेल्ट से पिकैक्स निकालनी पड़ेगी, और पिकैक्स से जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो मुझे 3 शार्ड मिले। यार एटलीस्ट 4 तो मिलने चाहिए थे यार। और उसको लगेंगे कितने, उसको 4 लगेंगे यार, मतलब कि हमें और शार्ड चाहिए। ओके, 2 मैग्मा क्रीम यहाँ पे भी रखे हुए थे भाई, नाइस। यार थोड़े से और मिल जाए तो बात ही बन जाए। सो गाइस मेरे पास ये बेल्ट का एक पैकेट रखा हुआ है भाई, और मेरी बेल्ट में कुछ स्पेशल है, 0.2 लक और हाफ हार्टेड और लकी है ये। ओके, और ये आर्मर्ड है। तो भाई एक पॉकेट डाल लेता हूँ भाई मैं, एनविल बनाया था ना मैंने, कहाँ गया ये रहा। तो मुझे बेल्ट निकालनी पड़ेगी अपनी ऐसे करके, और अगर मैं बेल्ट को ऐसे रखता हूँ, कैसे ऐसे रखना होता है, 3 इंचेंटमेंट कोस्ट चाहिए, तो मुझे एक्सपी चाहिए होगी भाई। तो यहाँ रखो और यहाँ रखो, तो इसके अंदर अब 3 पॉकेट हो जाएंगी भाई। अब इसमें 3 पॉकेट हो चुकी हैं, और इसको वापस पहन लेते हैं हम। ओके, और अभी हम देखेंगे। तो गाइज़ मैं इसमें 3 चीज़ें डाल सकता हूँ भाई, मैं इसके अंदर ये वाली रोड भी डाल सकता हूँ, बट गाइज़ ये वाला रोड किसी काम का नहीं है भाई, मुझे जो है सिंपल रोड से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं एक सिंपल रोड बनाऊँगा और इसमें इसको डाल दूँगा। तो भाई 3 चीज़ें हो गई है मेरे पास बैग में नहीं, बेल्ट में। ठीक है, ओके, और मैं इनको यहाँ से देख भी सकता हूँ, और मैं इनमें और पॉकेट डाल सकता हूँ अगर मुझे मिलेगी तो। ठीक है, तो गाइस मेरे पास मैग्मा क्रीम नहीं है, तो भाई उसके लिए हमें मैग्मा क्रीम लाना पड़ेगा। तो सर्दी का जुगाड़ करने के लिए हमें हीटर बनाना पड़ेगा। अभी तो कैंप फायर से काम चल जा रहा है हमारा, तो भाई मुझे थोड़ा सामान यहाँ पे रख देना होगा। तो भाई अब हम जाएंगे नेदर में, वैसे तो रात हो रखी है बट कोई दिक्कत नहीं है अपने को, रात में भी हम जा सकते हैं नेदर में। और ये ज़ॉम्बी है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कोई स्पॉन हो गया है भाई। ओ भाई मर गया, क्या गिराया इसने। तो चलो भाई देखते ज़रा अंदर चल के क्या चल रहा है नेदर में। वैसे तो नेदर बहुत ख़तरनाक होता है, बट फिर भी भाई जाना तो है ही अब। ओके गाइस, तो भाई हम सोल सैंड की तरफ आ गए हैं, और भाई वहाँ नीचे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं मैग्मा के। वैसे देखो फायर रेसिस्टेंस तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम वहाँ तक तो जा सकते हैं भाई। ओके लेट मी ट्राई। अरे ये क्या, कौन फेंक रहा है मेरे ऊपर ये अजीब सी चीज़। ओ भाई वहाँ पे दो दो तीन तीन खतरनाक वाले हैं, मुझे जल्दी से निकलना होगा यहाँ से सामान लेके।
ओके मैं नीचे तक तो आ गया हूँ भाई, तो चलो ले लेता हूँ थोड़े से यहाँ से मैग्मा। अबे भाई सेलेमेंडर, और वो क्या है पिंकी, ये है गाइस पिंकी। इस क्रेचर का नाम पिंकी है भाई, अजीब नाम है बट है भाई ये नाम। ओ भाई साहब, अरे मेरे पास कुछ है भी नहीं यार बचने के लिए इससे। भाई मर जाऊंगा क्या मैं जल के? भाई मुझे लगता है अब निकल लेना चाहिए, बहुत हो गया यहाँ पे। इतना शार्ड काफ़ी, आई थिंक बहुत सारा मिल गया, थोड़ा सा और ले लेता हूँ बस। गर्मी लग रही है गाइस, निकलो। मैं रिकॉल पोशन ले लेता हूँ। अबे यहाँ पे रिकॉल पोशन भी नहीं चल रहा भाई, भागो भागो भागो। अरे नहीं भाई भागो। अबे ये क्या आ गया था भाई, इतनी सारी आग किसने लगा दी? बर्निंग टू एग क्रिप्स विल्प्स फाइस्टिंग, पता नहीं क्या था यार उसने मारा है मुझे। चलो इसी को लेके चलते हैं, इसी से ही मारेंगे भाई। फायर रेसिस्टेंस के लिए कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ मारा था भाई मैं, और ये कोका ट्राइस इसमें कैसे आ गया? ये तो मेरा है। अबे हाँ ये मेरे वाला ही है, और आते के साथ ही डैमेज सबसे पहले। अबे ये क्या है इतना बड़ा केकड़ा, इसको कैसे मारूंगा मैं? अब सामान तो इधर ही है मेरा सारा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे अपना सामान लेके सीधा भागना पड़ेगा। और यार मैं जल क्यों रहा हूँ इतना ज़्यादा, और यहाँ से निकल लेता हूँ। अबे भागो। अबे ये क्या आया था इतनी तेज भाग के भाई? ओ भाई अभी गाइस गेम बहुत टफ होता जा रहा है। चाकू ले लेता हूँ, एक चाकू लेके चलता हूँ। वो भाई बहुत स्पीड में आया था वो भाग के मुझे मारने के लिए, इधर ही खड़ा होगा शायद। अबे यार कैसे मारूंगा उनको मैं, मेरा सामान भी डिस्पॉन्स होना शुरू हो जाएगा अगर मैंने उठाया नहीं तो। अभी ये देखो ये रहा, ये पता नहीं क्या है, ये देखो। अबे चाकू भी गया मेरा तो। अबे इसको कैसे मारूंगा मैं, ये है क्या चीज़ भाई? बिहिमद करके कुछ नाम है इसका यार, तलवार लानी पड़ेगी मुझे इसके लिए। और इसको कर देता हूँ मैं अग्रेसिव पे कर देता हूँ। चल भाई अब मार के दिखा तो मुझे, कहाँ गया वो, मर गया क्या? अबे उसको कोका ट्राइस ने ही मार दिया, बड़ा नूब था यार ये तो। कोका ट्राइस ने ही मार दिया उसको भाई, छोटे से कोका ट्राइस ने, बच्चे से पिल गया। ओ भाई सामान मिल गया मुझे थोड़ा मेरा। ओ विदर स्केलेटन हेड मिला, नाइस फ्री की चीज। किस, अबे ये किससे भिड़ रहा है मोरोक? ओ भाई शील्ड कहाँ है मेरी भाई? यहाँ से मैं तो निकल रहा हूँ। अबे यार ये अजीब सी आग क्या है यार? अबे ये कौन खींच रहा है मेरे को भाई? भाई ये तो ज़्यादा ही दिक्कत हो गई भाई, ये लेके जाता हूँ। सारा सामान ऐसे जाएगा मेरा धीरे धीरे, लेकिन ये सामान किसी काम का भी नहीं है। खैर कोई नहीं जाने दो भाई, उसने मोरोक को भी मार दिया तो मुझे दूसरा पेट निकालना पड़ेगा। अब वेंटोरैप्टर को निकालता हूँ। समन मार वेंटोरैप्टर, शाबाश इसको मार, पूरा मार भाई वेंटोरैप्टर इसको मार सकता है आई थिंक। अबे इसने उसको भी मार दिया। अबे यार ये मरने वाला था, जरा सा रह गया इसका हेल्थ। इसने बहुत तबाही मचा दी यहाँ पे, देखो आ गया फिर से मेरे को देख के। मेरा सामान कहाँ है? ये रहा मेरा सामान। अबे मर जा, मर गया। ओके मेरा सामान कहाँ है भाई? ये रहा मेरा सामान। कौन खींच रहा है मुझे? ये पिगलन खींच रहा है क्या? पता नहीं कोई खींच रहा है मुझे अपनी तरफ। मेरा सामान कहाँ है भाई? भाई क्या तबाही मचा रहे हैं ये दो जने। भाई मेरा सामान सारा गायब हो गया।
भाई ये तो इन्होंने पेल पेल के भाई बुरा हाल कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता मेरा सामान मुझे मिलेगा। बाकी चलो लास्ट ट्राई करते हैं, एक शील्ड लेके जाता हूँ। लग रहा है मेरा सारा सामान गया भाई, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे आसपास पड़ा हुआ। अभी एक्सपीटोम मिली है बस। तो भाई मुझे मेरा सामान नहीं मिला भाई। अब यहाँ पे इससे पहले कोई और स्पॉन हो जाए गंदी सी चीज़ तो मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो भाई मुझे मेरी चीज़ें तो मिली नहीं, बस मैग्मा शार्ड मिल गया और मैंने सब कुछ खो दिया अपना। बस ये एक फ्लीटिंग बेजोर मिल गया है बस, बाकी सब चीज़ खो गई है भाई। बेल्ट वेल्ट जितनी भी एक्स वैक्स पिकैक्स विकैक्स सब खो गई भाई, सब चीज़ एवरीथिंग। तो अब मुझे शुरू से सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी भाई। अपना आर्मर वार्मर भी चला गया है मेरा, और इनमें से ये जंप हाइट वाली ये पहन लेता हूँ। चलो कोई नहीं, कुछ गया तो कुछ और पहन लेते हैं। बाकी ये गले में नहीं दिखता भाई ये वाला पेंडेंट। हाँ ये वाला पेंडेंट गले में नहीं दिखता भाई। तो चलो भाई चीज़ें तैयार करता हूँ मैं फिर से अपनी, और ये रहा मैग्मा शार्ड, तो इससे हीटर बना लेंगे हम। और मैं इसमें से एक पिकैक्स ले लेता हूँ डायमंड की। तो भाई हीटर बना लेते हैं, एक दो। तो दो हीटर बना लिए भाई मैंने, और इसमें लगा देता हूँ। ठीक है भाई, ओके गाइस, तो हीटर लग गया भाई हमारा पहला हीटर। और अंदर भी भाई मैं यही करूँगा, तो गर्मी और सर्दी दोनों के ही हीटर लग गए भाई मेरे पास। रात हो रखे तो चलो सो जाते हैं। तो गाइस देखा आप लोगों ने भाई ये नेदर कितना ज़्यादा टफ है गाइस, क्योंकि अभी हम पावरफुल नहीं है ना, इसलिए सभी हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं भाई। और चलो इंचेंट करके देखते हैं भाई, ये पिकेक्स हम इंचेंट कर सकते हैं तो कुछ मिल जाएगा हमें। लैपिस चाहिए होंगे, तो मैं ले लेता हूँ डायमंड एवरीवेयर ले लेता हूँ भाई। पता नहीं अब क्या होएगा इससे डायमंड एवरीवेयर से, आई डोंट नो। मैंने कभी ये वाला इंचेंटमेंट यूज़ नहीं किया डायमंड एवरीवेयर, बट लेट्स सी देखते हैं क्या होगा भाई। चलो यार वापस चलते हैं, कुछ सामान वामान रेडी करते हैं। सो गाइस आज का जो हमारा टारगेट होने वाला है वो भाई बड़ा ही मुश्किल है। आज हम बनाएंगे ड्रैगन आई गाइस, आज हम ये ड्रैगन आई बनाएंगे, और ये बहुत ही टफ होती है बनानी इसकी इसको। और इसको बनाने के लिए भाई देखो ये एक रिंग ऑफ इंचेंटेड आई चाहिए होगी सबसे पहले, ठीक है। चलो एक ये रिंग तो अभी बना लेते हैं हम। लेट मी चेक, मैंने थोड़े से ये ग्लोविंग इनगट बना के रखे थे। चलो और एक गोल्डन कैरेट चाहिए ना, कैरेट मेरे पास ये रही। इसको ऐसे रखो, इसको बीच में रखो, एक दो तीन चार, ये आएगा भाई रिंग ऑफ इंचेंटेड आई, ठीक है। मैजिक शील्ड है इसमें, बहुत बढ़िया। ग्लोविंग इनगेट से ही मिलेगा, ग्लोविंग पाउडर, ठीक है भाई। तो एक बना सकता हूँ मैं, अभी एक बन गया, क्या और बना सकता हूँ। ग्लोविंग पाउडर चाहिए होंगे मुझे फिर से, क्या मैं और बना सकता हूँ। ग्लोविंग इनगेट की कमी रह गई गाइस। तो भाई ग्लोविंग इनगेट के लिए सिल्वर चाहिए होगा और ब्लेज पाउडर चाहिए होगा। तो चलो भाई ब्लेज पाउडर और सिल्वर वगैरह का जुगाड़ करते हैं हम, और ढूंढते हैं भाई ये सब चीज़ें हमें मिल जाएगी बैटल टावर से। तो बैटल टावर ढूंढने पड़ेंगे गाइस, फिर हमारा काम जो है हो सकता है। तो लेट्स गो, खाने वाने का चीज़ ले लेता हूँ मैं थोड़ी। और गाइस मेरा वो सी वाला जो था ना वो भी खो गया है पेंडेंट जो गले में था, तो मुझे वापस से वाटर के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। और यार सब लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई आप एक्स दबाओगे ना तो ये स्पीड में जाता है, तो यार ये चीज़ मुझे पहले से ही पता है कि एक्स दबाने से भाई हम अपने पैट्स की एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और मैं अभी ड्रैगन से बचा हूँ, उसने फायर करना शुरू ही कर दिया था मुझ पर। यार मैं फिर से यार अपना स्लीपिंग बैग बनाना भूल गया यार, स्लीपिंग बैग से यार फ़ायदा होता है आप लोगों को। ओके गाइस, तो यहाँ पे भाई एक नया स्ट्रक्चर है नीचे दिख रहा है मुझे, तो चलो नीचे की साइड चलते हैं और देखते हैं भाई ये क्या स्ट्रक्चर है। बड़ा ही अजीब सा है दिखने में तो। तो ये कोई एक सिटी जैसा दिख रहा है मुझे यार, सच में ये अजीब है दिखने में भाई। ये टेम्पल है, सिटी है, आई डोंट नो क्या है भाई ये। अब उतरेंगे तो पता चलेगा भाई, अब मैं उतर गया हूँ। चलो मोरोक को यहीं छोड़ देते हैं अभी के लिए, और इसकी इन्वेंट्री सब कुछ एकदम सही है भाई। अग्रेसिव वंडर नहीं, फॉलो मी, ठीक है भाई। तो हम नीचे उतरते हैं और देखते हैं क्या है ये आसपास। ओके ये है यहाँ पे, तो इसको तो मार देते हैं। ओ ये भी है क्या यहाँ पे, तो मोरोक भी हेल्प करेगा भाई हमारे इनको मारने में, ये चीज़ सही है। यहाँ पे टॉर्च लगी हुई है, ये ऊपर चढ़ने का रास्ता, और यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता भी है भाई। क्या है यहाँ पे नीचे जाके, ओके
टेम्परेचर डाउन हो रहा है भाई, एक भूल भुलैया की तरह है। और ये यहाँ पे ट्रैप है, मुझे पता है। और इसके अंदर क्या थे, पंपकिन, ट्रैप में पंपकिन और वो भी इतने सारे। और यहाँ पे ट्रैप लग रहे हैं मुझे चारों तरफ देखने में। और यहाँ पे किसी चीज़ का स्पोनर है, ओके। ये स्कैली का स्पोनर था आई थिंक, हाँ स्कैली का स्पोनर है। वो तेरा तीर कहाँ है? हकुमत मर गई है, भड़वत खा रही है। ऐसे ही लड़ेगा क्या मुझसे? तीर ही नहीं है भाई उसके पास, ओके। अब ये थोड़ी के, अबे यहाँ पे किसी के पास भी तीर नहीं है, ये कैसे स्कैली है भाई? यहाँ पे स्कैलिस के पास तीर नहीं है भाई, व्हाट? ये तो अलग ही चीज है भाई, ओके। ये आ कहाँ से रहे हैं? ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। इनके पास तीर नहीं है लेकिन ये डैमेज पूरा पूरा दे रहे हैं फिर भी। और ये हस्क है, और मैं बैंडेज भी मारूंगा भाई साथ के साथ, क्योंकि मुझे थोड़ा ख्याल रखना है अपना भाई। यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, मुझे लगा कुछ मिलेगा यहाँ पे। इसमें कुछ है क्या? कुछ नहीं है भाई। तो इसका मतलब हर कोने पे एक ना एक, ये क्या भाई, एरो ट्रैप। कहाँ है भाई एरो ट्रैप? मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा एरो ट्रैप। ओ यहाँ नीचे जाने का रास्ता है भाई, ये रही सीढ़ियाँ। चलो चल के देखते हैं। ओ होली क्रैप, ओ भाई क्या ट्रैप है क्या यहाँ पे भाई? ओ भाई बम फूटने वाले हैं यहाँ पे लग रहा है। गाइस मैं ट्रैप में फंस गया हूँ मुझे लगता है भाई। भाई ये ट्रैप से भरा हुआ है ये वाला टेंपल बिल्कुल। बाकी भाई यहाँ पे थोड़ा डर सा भी लग रहा है जाने में, पता नहीं क्या है ये। ओ बेड रॉक, यहाँ पे बेड रॉक, व्हाट? पता नहीं क्या ट्रैप बनाया भाई ये। पिस्टन ले लेता हूँ भाई, मैं तो बाहर ही आ गया इस साइड से। और ये भाई कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ओ मर गया, नाइस भाई। बस बहुत हो गया इस टेंपल के अंदर। ओ वहाँ पे एक चेस्ट है, क्योंकि गाइस ये टेंपल बहुत मिस्टीरियस लग रहा है मुझे। और इसमें लूट वूट मिल नहीं रही है, और कुछ अच्छा नहीं मिल रहा यार। अच्छा मिले तो मैं कुछ देखूँ भी। ओके स्पोनर तो तोड़ दिया मैंने भाई। चेस्ट में क्या, रोटन फ्लैश, ओ ब्लॉक ऑफ आयरन, नाइस। ये चीज़ तो सही मिली यार, दिल खुश हो गया। चलो स्पोनर से लेते हैं हार्ट डस्ट। चलो भाई मोरोक को बुलाते हैं और निकलते हैं वापस अब यहाँ से। चल भाई मोरोक, तो हम यहाँ जाना था हमें, लेट्स गो। तो भाई स्नो में थोड़ा सा मुश्किल होता है घूमना फिरना, लेकिन हम स्नो में भी घूम लेंगे भाई। और ये क्या है भाई, ये छोटा सा घर है। वैसे अगर हम डेजर्ट की तरफ घूमें तो हमें ड्रैगन के बोन्स वगैरह, ड्रैगन के हेड वगैरह मिल सकते हैं मरे हुए ड्रैगन्स के, क्योंकि ड्रैगन्स ज़्यादातर घूम फिर के ना यहाँ पे डेजर्ट में आके मर जाते हैं। ओ ये पानी है डेजर्ट में, नाइस। ओ भाई साहब कितना बड़ा ड्रैगन है, एक मरा हुआ है और एक जिंदा भी है उधर वहाँ पे ऊपर, लेकिन वो थोड़ा छोटा है कि बड़ा है, आई थिंक ठीक ठाक है यार। पता नहीं ये लेना चाहिए क्या मुझे, नहीं लेना चाहिए, थोड़ा रिस्की भी हो सकता है वैसे। अरे यार ये भी अभी आने थे क्या यहाँ पे? वैसे रिस्की हो सकता है मामला, लेकिन मैं देख लेता हूँ। इनकी फाइट हो गई आपस में, ओके। अरे यार ये मोरोक छोड़ के जा रहा है मुझे भाई, पिटवाएगा मोरोक बे मतलब में। हटो यार यहाँ से। तो भाई यहाँ पे एक और ये क्या है भाई, भूल भुलैया सी। तो देख तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स की गाइस मैं बात कर रहा था, यहाँ पे इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं जो कि भूल भुलैया वाले स्ट्रक्चर है। अब मुझे ये नहीं पता क्या ये, ओके यहाँ पे विलेजर्स दिख रहे गाइस मुझे। इसका मतलब भाई ये वाला जो है गांव बहुत ही सही है, और मैं इसको अब फॉलो ना करा करके इस सीट पे करा देता हूँ। ओके गाइस तो अब हमारा मोरोक कहीं जाएगा नहीं यार वैसे। ओ यहाँ पे इन्होंने पंपकिन पाई रखी हुई है, वेरी नाइस। हो भाई साहब क्या जुगाड़ बिठाया हुआ है।
ये एक रेस्टोरेंट है भाई पूरा। तो यार मुझे लगता है यहाँ पे तो सबके पास खाने पीने की ही चीज़ें हैं, कुछ और मुझे दिख नहीं रहा है स्पेशल। ओ गोल्ड, आयरन, शैडल, ओके कुछ चीज़ें मिली, बढ़िया भाई। सो गाइज यहाँ पे यार एक विलेज है और उसके ऊपर एक विलेज के पास में भाई एक बैटल टावर भी है, तो क्या हम इस बैटल टावर में ट्राई कर सकते हैं थोड़ा कुछ? वैसे क्या स्पॉन होगा देखते हैं, अगर स्केली स्पॉन हुए तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार छोड़ो। यहाँ पे है एक बैटल टावर, ये रहा गोलम है इसमें। ओके ये गोलम वाला बैटल टावर नहीं है बट इधर स्केली है। निकलो भाई, स्केली वाले में तो बिल्कुल भी नहीं जाना भाई। डैमेज होना शुरू हो गया, मुझे उतरना पड़ेगा यहाँ पे और अंदर जाके फायर पिट लगानी पड़ेगी एक। ओके अबे भाई क्या यार, अब की बार यार एक स्लीपिंग बैग बना के लेके जाऊंगा, रात को ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। मुझे लगता है यार मुझे अब लाइनर है ना बना लेने चाहिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन यार मुझे लाइनर बना लेने चाहिए अब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है और इतना ज़्यादा नहीं हो रहा भाई। सो फाइनली गाइज एक बैटल टावर मिला भाई, तो चलो पकड़ते हैं फिर इसको। अबे यार मैंने क्या सुमन करा दिए, मुझे ये सुमन कराना था। मारो, अबे इसने चेस्ट ही फोड़ दी। और वो चेस्ट गई कहाँ पे भाई, ऊपर पड़ा है क्या? हाँ ऊपर पड़ा है। ओके तो इसको मार देते हैं भाई, मारना ही ठीक रहेगा इसको। चलो भाई निकल लो, टूटने वाला है टावर। तो गाइस मुझे सबने बोला था कि भाई टावर को तोड़ो, टावर तोड़ने से ज़्यादा अच्छा लूट मिलता है, तो तोड़ दिया भाई टावर। अब देखते कैसा लूट मिलेगा, लेट्स गो। टूट रहा है भाई पूरा का पूरा टावर। बस इतना ही टूटेगा क्या? तो भाई सच में यार लूट बहुत सारा है यहाँ पे, अब मैं ये उठाऊंगा कैसे इतना सारा लूट यार? व्हाट? तो मुझे चेस्टों की जरूरत पड़ेगी भाई। अब भाई इसमें मुझे बस चीजें छाटनी है कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, स्लाइम बॉल्स वेरी इंपॉर्टेंट, बॉटल ऑफ इंचेंटेड ये भी इंपॉर्टेंट है, एंसेंट सील्ड कर्स ये पता नहीं क्या बुक है, ये ले लेता हूँ यार। रिमोर्सिव इसेंस पता नहीं क्या है, ये ले लेता हूँ, अच्छा लग रहा है सुनने में। डिस्क भी ले लेता हूँ भाई, डिस्कों की ज़रूरत पड़ेगी इस वाले गेम में। तो गाइस बैकपैक जो है पूरा का पूरा फुल हो गया है भाई, और ये चीज़ बहुत सही है। सो गाइस एक और बैटल टावर भाई, तो इसको हम मारेंगे अलग तरीके से। अरे मैं मार दूंगा इसको भाई, पंगे मत ले। चलो भाई मर गया फिर से। तो यार मुझे लगता है मुझे इतने सारे ये अब नहीं रखने चाहिए, मुझे सिर्फ सिल्वर के ले लेता हूँ मैं, सिल्वर इम्पोर्टेंट है अभी के लिए अपने लिए। आयरन का सामान कुछ नहीं लेता, डायमंड ले लेता हूँ, बबल रिंग, एक और पिकेक्स, चश्मा मिल गया वापस से गाइज हमें अपना नेम टैग, नाइस। तो भाई सारा सामान मैंने ले लिया है, अब सीधा घर पे जाना है, तो मैं भाई रिकॉल पोशन का यूज़ करूँगा। तो भाई दो पोशन पी गया यार मैं मजाक में, क्या है यार। चलो कोई नहीं गाइस, हम आ गए भाई घर पे, काफ़ी सारा सामान लाया है। वैसे चश्मा हमें फिर से मिल गया भाई, नाइस। इम्यूनिटी से बचाएगा ये हमें, बहुत बढ़िया। और बाकी का सामान भाई रख देता हूँ मैं सीधा का सीधा। और ये एक दो बैग हो गए भाई हमारे पास, तो बैग को रख देते हैं वापस यहाँ पे। भाई मिड विंटर चल रहा है, बहुत ठंड है यार सच में।
एक चार बन गए गाइस फिर से, तो ये एक और बन जाएगा दो। अब एक और बनाना है ये हमें, एक दो। ब्लेज पाउडर कम रहेगा फिर से, पहले बनाना पड़ेगा ऑकवर्ड पोशन। उसके लिए भाई हमारे पास नेदर वोट है, कहाँ गई थी तो हमारे पास, ये रही, एक ही है मेरे पास। अरे ये रही ना 18, तो कोई नहीं एक डाल देते हैं। तो भाई फायर पोशन बन गया है, बस इसके अंदर अब हमें रेडस्टोन मिलाना है। रेडस्टोन से इसका टाइमिंग जो है 3 मिनट से 8 मिनट का हो जाएगा भाई। चलो और इनको पानी से भर लेता हूँ और इनको प्यूरीफाई कर लेता हूँ। तो भाई 8 मिनट वाला फायर रेसिस्टेंस पोशन तैयार है बनके, और 8 × 8 = 24, आधे घंटे का पोशन बना लिया है मैंने। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा, या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बना लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके तो इस तरीके से ड्रैगन बो बनता है भाई। ओके और एक विदर बोन्स चाहिए, विदर बोन्स तो हमें मिला था ना एक, ये रहे 2 मिले थे, तो एक ले लेता हूँ और स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ भाई। अभी बनाते हैं ड्रैगन बो। ये लो भाई ड्रैगन बो भी बन गया हमारा, तो इसको भी रिफोर्ज कर सकते हैं हम, माइनस में है ये। इसकी भी देखते हैं मैक्स पावर निकलते कि नहीं निकलती। टेन का इसमें प्लस प्रोजेक्टाइल डैमेज मिला है, देखते हैं यार इसको और बढ़ाते हैं, बढ़ता है क्या नहीं। काफ़ी सारे बोन्स है अभी हमारे पास, बोन्स तो वैसे फ्री में मिल जाते हैं यार। यार 15 का चला गया इसका भाई, तो 15 तो बहुत सही है यार। तो भाई देखो बो भी बन गया है और हमारे पास इसको 24 चाहिए भाई, तो 24 चाहिए भाई हमें अटैक में। अटैक में एक बस थोड़ा सा पॉइंट और डालना है फिर हम इसको चला पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलो थोड़े से लेवल से इकट्ठे करते हैं भाई बिना मरे। नेदर में ही चले गए, इधर ही आसपास कहीं देख लूँ कुछ। यार मैंने यहाँ पे आसपास है ना ब्लेज को देखा था, तो वहीं चलते हैं एक बारी। इसके पास मैप ही नहीं है इसके पास। अरे यार मैंने पी लिया यार, हद है यार, शिट। चलो कोई नहीं, अब पी लिया है तो। यहाँ पे ड्रैगन है यार, अब मैंने पी लिया है ना तो मैं ड्रैगन से फाइट करूँगा। चलो भाई देखी जाएगी, मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट सामान भाई। ओके मुझे फायर रेसिस्टेंस है, तो मैं क्यों भाग रहा हूँ आग से भाई। तो मुझे पानी में जाना चाहिए, पानी में ये कमज़ोर हो जाते हैं ड्रैगन जो होते हैं। ये नीचे कब आएगा भाई? गाइस मैं ड्रैगन से भिड़ गया हूँ भाई। फायर रेसिस्टेंस तो मिल रहा है लेकिन मुझे लगता है ये ड्रैगन बड़ा है भाई। अरे भाई तबाही मचा दी इसने, तो मैं निकल रहा हूँ गाइस यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा गलती कर दी है इससे फाइट लेकर के। ये थोड़ा बुरा मान गया है भाई। अरे यार ये ब्लास्ट करेगा तो मैं मर जाऊँगा भाई। अरे बाप रे भागो, मैं तो रिकॉल पोशन भी नहीं लाया कि जान बचा के भाग जाऊं। अरे ये फोल डैमेज से मार देगा मुझे, शिट। निकलो, अरे बाप रे, भागो 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 भागो, जान बचा के भागो। मोली मोली। पानी की प्यास भी लग गई भाई, क्या धोया है ड्रैगन ने मुझे भाई। तू भी आ जा, क्या देगा ब्लेज रोड? नहीं इसने कुछ चार्ज वगैरह दिया है मुझे। वैसे मेरे पास अब लेवल हो गए होंगे। अरे यार अभी भी 22 ही हुए हैं, 24 लेवल तक चाहिए मुझे, फिर उसके बाद बात बन जाएगी। अरे भाई क्या बच के आया हूँ यार मैं। हेल्थ रीजनरेट करता हूँ और ड्रैगन के पास वापस जाता हूँ, देखते हैं उस ड्रैगन को आज हम मार पाते क्या नहीं। चलो भाई चलो भाई, पूरी फौज निकाल ली है मैंने। अब ये ड्रैगन आएगा नीचे और पिटाई होएगी अभी इसकी। आजा ड्रैगन, तेरे से डरता नहीं हूँ। आजा, नीचे क्यों नहीं आ रहा है ड्रैगन?
अबे जाओ ऊपर मारो उसको, ये तो मरने शुरू हो गए। वाड़ू हैक। अबे मर गए सारे। रुको जरा, सबर करो। क्या दिक्कत है भाई। ब्लास्ट कर रहा है वो तो यार, नीचे ही नहीं आ रहा। मर 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 मर। भाई ये काफी कम हेल्थ कर दिया मैंने इसका। ओ भाई मर गया। ओ भाई मार दिया मैंने ड्रैगन को। होली मोली गाइस, भाई साहब ड्रैगन डाउन। अबे ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। अब लावा बेटा फायर रेसिस्टेंस है मुझे। बच्चे हो अभी तुम। ओ भाई साहब ब्लेज का सामान गिराया इसने थोड़ा। अबे यार ये ड्रैगन तो छोटा था इसलिए मारा गया मेरे हाथों। ओके ओ भाई 12 स्केल्स मिल गई इससे यार, बहुत बढ़िया, कुछ तो बनेगा हमारा। तो चलो गाइस अब इनको मारते हैं। भाई ये क्या आए हैं अजीब अजीब से नमूने, इनको मारते हैं जरा, पता नहीं क्या मिलेगा इनसे। आइस क्यूब, बहुत बढ़िया भाई, आइस क्यूब और फ्रोस्टी फर मिल रहा है मुझे। भाई अजीब अजीब से कीड़े पीड़े से आ गए हैं यहाँ पे, कुछ मिला नहीं। और ये अब ये भाई अच्छे लेवल का है, इसका लेवल तगड़ा है इस वाले का। बट मैं इसको पीछे से मारूँगा, मर गया, प्यास लग गई भाई। चलो भाई अभी बना के देखते गाइस हम वो ड्रैगन वाली आई बना पाएंगे क्या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक माँ हम आगे आ गए थे तो हमें सिर्फ ये वाले इनगट बनाने थे। तो भाई दो, एक इनगट और बनाना पड़ेगा हमें, तीन चार हो गए गाइस हमारे पास ये इनगट। शायद एक इनगट और बनाना पड़ेगा हमें ये, क्योंकि हमें डस्ट भी तो बनानी है ना। ओके गाइस तो भाई अभी ये बन जाएगा, तीन और क्या रह गया भाई, ड्रैगन आई। ओके गाइस चार तलवारें चाहिए भाई हमें, और चार तलवारें, एक दो तीन, तीन तो हो गई शायद, हमें फ्रेश तलवार चाहिए होती है, बाकी के बना लेते हैं भाई। तो भाई सारा सामान हमारे पास आ गया है, अब हमें ड्रैगन का हेड चाहिए होगा, तो हम एक फायर ड्रैगन का हेड ले लेते हैं। तो ये रहा भाई फायर ड्रैगन का हेड, स्टेज 4 का है ये, और अभी बन जाना चाहिए यार प्लीज़। ओ भाई भाई साहब गाइस फाइनली हमारे पास एक ऐसी चीज़ आ गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी है भाई, बहुत ओपी, और इससे हमें नाइट विजन मिलेगा गाइस। बट बस हमें इसको ऑन करना पड़ेगा, बट इसको ऑन नहीं करना आता मुझे कैसे ऑन करते हैं। तो गाइस इसको ऑन कैसे करते हैं भाई हमें बताइएगा ज़रूर यार। और आई थिंक यार हमने आज बहुत सारा काम कर लिया, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है गाइस हमें, ये री नाइट विज़न ऑफ है हमारा, करेंटली टारगेट नहीं है। और भाई ये हमें बहुत कुछ चीज़ें देंगी भाई, फायर रेसिस्टेंस वगैरह भी देगी, जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो मुझे फायर रेसिस्टेंस जो है मिल गया है 2 मिनट का, और ये मुझे मिलता ही रहेगा अब। और तो भाई मैक्स हेल्थ है इसमें, और मैजिक शील्ड है, और डैमेज रेसिस्टेंस इसका अच्छा है, और यार बाकी बहुत ही बढ़िया लग रही है यार, मतलब एक नंबर की चीज़ है ये। तो नाइट विज़न मैं इसका ऑन कर लूँगा गाइस। आई थिंक नाइट विज़न इसका कैसे ऑन करते हैं गाइस, मुझे नहीं पता इसका नाइट विज़न कैसे ऑन करते हैं, आप लोगों को पता हो तो ज़रूर से बताना भाई। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही भाई, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हिट कीजिए, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड, एंड चाओ चाओ।